आज हम एयरटेल 4G मॉडेम का एरर फिक्स करेंगे। ठीक है, जब हम मॉडेम लगाते हैं सिस्टम में या लैपटॉप में तो कभी कभी नहीं कनेक्ट होता है, जैसे कि यह मैसेज दिखता है, ऊप्स डिवाइस कैन नॉट बी कनेक्टेड। ठीक है, इसके नीचे वाला मैसेज देखते हैं। द मॉडेम और अदर कनेक्टिंग डिवाइस इज ऑलरेडी इन यूज और इज नॉट कॉन्फिगर्ड प्रॉपरली। अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि जब हम लगाते हैं मॉडेम अपने सिस्टम में या लैपटॉप में लगाते हैं तो ये पैनल खुलता है। ठीक है, फिर हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए क्लिक करा, ये एरर वाला मैसेज आ रहा है। देखिए, ये ऐसे मैसेज आता है। ठीक है, ओके करते हैं। उप्स डिवाइस कैन नॉट बी कनेक्टेड को। ठीक है, फिर उसके नीचे वाला देखिए, ये सेम मैसेज वही आ रहा है जो मैंने बताया अभी आपको। इसको कैंसिल करते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की, और सेम एरर आ रहा है। देखिए, ये देखिए बिल्कुल सेम। मीन्स आप कितनी भी कोशिश कर लें ये कनेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब करते क्या हैं कि अब इसका कुछ सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं। ठीक है, पहला जो है तरीका है कनेक्ट करने का, वो सेटिंग चेंज करने का। तो हम ढूंढेंगे डिवाइस सेटिंग। ठीक है, ऑप्शन में जाएंगे, फिर जनरल में NDIS पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, फिर होम पे जाएंगे। होम पे गए, कनेक्ट की क्लिक किया। जब हम कनेक्ट पे क्लिक करते हैं थोड़ा टाइम लगता है कनेक्ट होने में। अब ये कनेक्ट हो रहा है और बूम, ये नेट कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए डेटा जो है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों का शो हो रहा है। और इसकी खास बात है एयरटेल 4G की कि ये ऑटो इसकी वेबसाइट जो है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन होने लगती है और ऐसे चलने लगता है। ठीक है, अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप जिस PC में जाएं, मॉडेम को अपने रिमूव कर दीजिए अपने सिस्टम से। ठीक है, फिर जिस PC में गए, कंप्यूटर में गए, अनइंस्टॉल चेंज प्रोग्राम में गए। ठीक है, फिर एयरटेल ढूंढेंगे। ये एयरटेल का लोगो दिख रहा है ना थंबनेल, राइट क्लिक करा, अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है, जब यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे, कम्प्लीटली रिमूव जब कर देंगे इसको, तो सिस्टम को हम एक बार अपने रीस्टार्ट मारेंगे। ठीक है, जब रीस्टार्ट मारेंगे उसके बाद ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम अपना मॉडेम इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद फिर से दिस PC में जाएंगे। दिस PC में जाने के बाद, जैसे कि अभी ये मैं दिस PC में गया, अभी हमने डिवाइस नहीं कनेक्ट करा रखा था, अब ये हमने डिवाइस लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसमें हम डिवाइस लगाते हैं, ये देखिए ये डिवाइस यहाँ पे शो होने लगता है ऐसे। तो इसको डबल क्लिक करके रन करा सकते हैं। रन कराने का मतलब है कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं। जब भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम कनेक्ट कराएंगे तो हमारा जो है मॉडेम वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।